मुझे थोड़ा सा शर्म आया सबके सामने, नहीं किया बात करने के बीच में मैं भी डांस करती हूँ। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शुक्र अल्लाह का। मैं भी ठीक हूँ। आज आप लोग मेरी खुशी देख सकती हैं, मैं हंसती हूँ क्योंकि मेरी एक ही ख्वाहिश पूरा हो रही है। मैं जा रही हूँ द सिटी ऑफ प्रॉफिट्स शानुरफा। क्यों शानुरफा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी वही शहर देखना। आपको व्लॉग में भी पता चलेगा क्यों शानुरफा इतना खूबसूरत है। तो अभी हम जाएंगे शानुरफा, डिस्कवर कर लेंगे। आप लोग भी मेरे साथ आ जाए, चले। अभी मैंने लेना है मसाज मशीन क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब एयरपोर्ट में वगैरह जाती हूँ ना, इसको ज़रूर लेती हूँ। ऑब्वियसली पैसा है आपके पास, मुझे कॉइन दो दो दो। पैसा तो शोहर से लेना है। अभी हम जाएंगे मसाज मशीन में। आप सब होटल को छोड़ दो, भूल जाओ, ये मेरी होटल है। आज हमने इसी कमरे में और इसी होटल में रह गया था, सॉरी इस कमरे में नहीं। इस होटल का एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये होटल उन्होंने बिल्कुल केव की ऊपर बना दिया है। मैंने होटल का नाम इधर मेंशन भी करूँगी। ये सब जगह बिल्कुल केव है, नेचुरल है, उन्होंने टच नहीं किया है। ये होटल का रूफ टॉप है। मैं इधर से आपको एग्जैक्टली इस एरिया का बाहर दिखाना चाहती हूँ। ये एक्चुअली उन्होंने अभी तक यही हिस्टोरिकल जगह गार्ड्स वगैरह डिस्ट्रॉय नहीं किया है। ये भी इधर एक होटल है, ये पूरा ऐसे होटल है। मूवीज़ में ड्रामास ऐसे होती है ना, मोस्टली इसी एरिया पर शूट होती है। आज हमारे शानुरफा का गाइड है मुस्तफ़ा आवे, थैंक यू सो मच, उसने हमको काफ़ी हेल्प किया। अभी ये शानुरफा की मेन पॉइंट है और सबसे मशहूर पॉइंट है बलकलु गोल। अभी हम आ गए शानुरफा में, बलकलु गोल में। ये ओल्ड शानुरफा के मेन पॉइंट है। ये बलकलु गोल हम कहती है, इसका इंग्लिश का नाम होती है फिश लेक। इसी लेक का एक हिस्ट्री है, मैं आपको वही शेयर करना चाहती हूँ। ये फिश लेक का ये हिस्ट्री है, जब उन्होंने हज़रत इब्राहिम को आग लगा दिया था, उन्होंने हज़रत इब्राहिम को एग्जैक्टली इस पॉइंट में आग लगा के बेच दिया। आग हो गया फनी, वही आग का वुडन्स हो गया फिश, इसलिए ये बलकलु गोल के ऐसे हिस्ट्री है। अभी मैं भी इस फिश को खाना देती हूँ, आपको भी इसीलिए दिखा देती हूँ। अभी हमने फिश को खाना देना है और एक ही दो तुर्किश लिरे में दिया, अभी मैं उनका खाना पी। हिस्ट्री कैसे हार्ट टचिंग है ना, लाइक उन्होंने हज़रत इब्राहिम को उधर से इस जगह पे फेंक दिए और ये आग नहर होती है, पानी होते हैं, वो आग का वुडन होती है फिशेस। यही फिशेस उन्होंने चेंज नहीं करती है, उसी टाइम से इसी टाइम तक वही फिशेस है। इसलिए मैं कहती हूँ शानुरफा इज़ द सिटी ऑफ प्रॉफिट्स। And this place is Mevlid Halil Cave. Mevlid means the birth of prophet. The cave was called Mevlid Halil Cave because people believe that the prophet Ibrahim was born there. Like log believe karte hai ki Hazrat Ibrahim is cave ke andar paida ho gaya. Abhi hum andar ja rahe hain. Sayın ziyaretçilerimiz, Hazreti İbrahim peygamberin doğduğu ve büyüdüğü makama hoş geldiniz. Ziyaretimizde sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskesiz dolaşmayalım. Yapacağınız
canlandırmadan için harcanmaktadır. Sayın ziyaretçilerimiz, Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu ve büyüdüğü makama hoş geldiniz. Ziyaretimizde sosyal mesafeyi şifa vala pani hai, aap idhar abdest nahi le sakte hai. Ye pani pine ke liye aur shifa wala pani hai. Bride and groom ko mubarak ho. उनका शादी का पिक्चर भी हो गया. अभी हम जाएंगे हमारी सेकंड डेस्टिनेशन पे. अभी हम जा रही है खान बाज़ार पे. ये आपके जहन में स्पाइसेस नज़र आती है ना, लाइक एक्सट्रीमली स्पाइसी होती है. सॉरी मेरी रूट अभी छोड़ दो. ये पहली जगह इनका शानदूर्फ है. अभी हम बाज़ार में चले जाएंगे और मैंने आपको इधर ही का बाज़ार कैसे होती है वही दिखा देती हूँ. इधर शानदूर्फा में ये बहुत मशहूर है. अगर आप लोग शानदूर्फा में आएंगे ना, सब जगह के एक चीज़ मशहूर होती है. अगर मैं इसको देखूँगी ना, हाँ ठीक है, ये शानदूर्फा से मुझे पता चलती है. शानदूर्फा का ट्रेडिशनल क्लॉथ्स दिखाऊँगी. अगर इधर शादी होती है और इधर एक पार्ट का जगह डेली यही कपड़े यूज़ करती है, वो भी ये कपड़े है. ये कपड़े उनका ट्रेडिशनल कपड़े है. लाइक ऐसा लगता है मुझे पाकिस्तान और इंडिया का शादी के कपड़े का फीलिंग्स आ गया मुझे. इधर ट्रेडिशन में वुमेंस स्कार्फ के ऊपर यही पहनती है. अभी मैं भी ट्राई करूँगी. देखो मुझे कैसा लगेगा. कहाँ पे किया भी? ये अभी हम शानदूर्फा के स्टाइल में भाई ने मेरे लिए बनाएगा. हाँ, ये भी उनका ट्रेडिशनल स्कार्फ की टाइप है. कैसा लगा कमेंट्स में लिखो, ठीक है, असली कमेंट्स लिखे. ये देख, ये उनका है. मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन ये समझ नहीं आया, लेकिन मैं इसको ऐसे पहन लेती हूँ. ऐसा लगता है कि वो अरबी कंट्रीज को शेख होती है ना, बिल्कुल उनकी जैसे फीलिंग्स आए मुझे. लेकिन ये बहुत मजे का यार. आप लोग इस्तांबुल वगैरह छोड़ रहे हैं, कसम से इस्तांबुल के अलावा दूसरा शहर में आ जाए, स्पेशली इधर शहर में आ जाए तो आपको ये लोग इतना और इंतहाई हार्ट वार्मिंग है. भी बाटा कलर में सीधे चेकेरियम ऐसा लाइन कैमरा यार. Kanal takip edin, izleyeceksiniz. Adı ne? YouTube kanalı. Adı ne? Türkan Atay. Türkan Atay. Evet. Haberlere çıkmıyor mu? Yok, haberlere çıkmaz. Diğer son ayda. Ekor çiz bir kenar çatıyor. Şanlıurfa me kya meşhur he? Ye bi liver. Means ciğer. Ye log subah bi, şam bi, lunch me bi ye liver kati he. Abi hamne khane ke liye idhar aya. Kyunki Şanlıurfa ke meşhur jagah ye he. अगर गोश्त खाना है और कबाब खाना है, इसका असली शहर उर्फा है. इधर हमारी उर्फा कबाब और मिक्स कबाब है, गोश्त है, चिकन है. द मोस्ट फेमस वन इज एक प्लांट वाला कबाब है. अभी मैं एक उर्फा कबाब ट्राई करूँगी. उसके अंदर स्पाइसेस नहीं है, कीमा एंड सॉल्ट, बट टेस्ट इज अमेजिंग. बहुत मजा का. एक्चुअली मैं ऊपर कबूतर देखती हूँ क्योंकि शानदूर्फा में एक कल्चर है, पुराना बहुत कल्चर है. सब लोग घर की छत पे जाती है. किसके पास पिजन्स है, ये पिजन्स में स्पेशल पिजन्स होती है. एग्जैक्टली 4:30 बजे वो लोग सारे पिजन्स ऐसे फ्री करती है. फिर वो लोग छत से किसका पिजन पकड़ लेती है ना, तो पिजन उसका पिजन्स होती है. एवरी डे यही कल्चर हो रही है. अभी मैं भी जाकर पिजन्स देखेंगे, आप लोग भी देखें. अरे इधर खाना का पार्ट हो गया. उनको पता चला ना मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए लेमन वाला पानी बना दिया. उन्होंने कहा ये लेमन वाला पानी पीला आप ठीक हो जाएंगे. और लोग बहुत अच्छा है. लाइक अगर आप लोग सीरियसली तुर्की को हॉस्पिटल तो देखना चाहती है ना, इधर ही आ जाओ. या लाइक वो वेस्टर्न एरिया छोड़ दो. एफएंडएम अभी हम जाएंगे कॉफ़ी पीने के लिए. शानदूर्फा का फेमस कॉफ़ी
हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई पहले इसको पी लेती हूँ। बुखार ये लोग बस इतना देती है, इतना सर्व होती है, उससे ज्यादा नहीं है। बारदा दोलमuyor musunuz? Yok. Yok. Böyle de içiliyor. ये लोग ये ग्लास फिल नहीं करते, बस इतना होती है। चुमाली बेदर हम पिएंगे ये मुर्रा। मैं भी पहली दफा ट्राई करूंगे। काफी स्ट्रांग है ये, काफी काफी स्ट्रांग है, बट बहुत मजे का है। Bunu böyle buraya koyamazsın. Koyduğun zaman bunu cezaya girersin. अच्छा मुझे इसका cezası büyüktü. मुझे इसका एक कल्चर पता चल गया, अभी मुसाब भाई ने बताया। अगर खत्म होने के बाद आपने यही वाला ऐसे रख दिया, इट मींस दैट आप अगर आप शादीशुदा है, इट मींस इसके अंदर उन्होंने सोना दे के आपको देगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है, वही बंदो आपको एज ए रिश्ता वाला अंथी बना के आपको रिश्ता फाइंड करेगा। आपने इसको कैसे देना है मैं वही बता देती हूँ। ऐसे दो फिंगर ऊपर रख के उनको वापस देना है। हमारी स्वीट्स रेडी है, मैं अभी ट्राई कर लेती हूँ। ऐसे दिखा देती हूँ, ये क्रेप के अंदर पिस्ताचो एंड वॉलनट है, फिर उन्होंने फेकमेज वाला शरबत लगा दिया। पहली दफ़ा ट्राई करूँगी मैं इसको, इवन ना योलोवा ना इस्तांबुल अभी तक नहीं खाया, उसका असली जगह से खाना है। मेरी डॉप तो ख़राब होगा फकमज वाला दूध, बट बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत मज़े का है। लाइक इसका अंदर वो वॉलनट है ना, और ये इतना सॉफ्ट है ना, और उसका ये फकमज का सिरप भी बहुत मज़े का है। अगर उर्फ आना है ज़रूर ये स्वीट खाना है। एक्चुअली ऐसा होती है, कंट्री तो सेम है लेकिन ट्रेडिशन और कल्चर अलग होती है। अगर इस्तांबुल में होना था लोग कपल के साथ ऐसे बहिर और कैफेज में बैठना था। ये शानुरफा में नाइट लाइफ कैसे होती है, सारी लोग इधर फैमिली के साथ आती है, बहुत बड़ा हॉल होती है, उन्होंने बिल्कुल नीचे बैठ के खाना खाती है। 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद इधर म्यूज़िक होती है, म्यूज़िक के साथ उन्होंने खाना खा के इधर फैमिली के साथ स्पेंड करती। मैं इधर ये फैमिली को भी पूछना चाहती हूँ, मेरा वाला Adıyaman. 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 Peki neden buraya geldiniz? Özelliği nedir buranın? Biz Fransa'da yaşıyoruz. Evet. Adıyamanlıyız. Kendi yöremizin kültürü gelip bir görelim dedik. Aynen. Hoş geldiniz. İsterseniz Fransızca'da tanıtım yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hani yabancı dilde... They are so cute family. मैंने उनको कहा आप लोगों ने इधर क्यों आया। एक्चुअली शानुरफा में एक ही और बॉर्डर सिटी है, वो भी अदियमान है। ये लोग असली फ्रांस में रहती है लेकिन ये लोग यही कहा हम इधर आ गए हमारी कल्चर देखने के लिए और हमारे बच्चे को ये कल्चर दिखाने के लिए। अभी भी मेरे पीछे से गाना का आवाज़ आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। इवन बहुत भी रिग्रेटफुल हूँ, मैं तुर्की में रहती हूँ लेकिन इस कल्चर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। आप लोगों के साथ मैं भी एक्सप्लोर किया। ऐसा लगता है कि लाइक नवाब फैमिली के लिए पहले गाना सुनती है फिर खाना खाती है। इवन बस शानुरफा का लोग नहीं आती है, शानुरफा का बॉर्डर सिटीज है ना, उधर ही से लोग इधर आकर सुनती है। इवन दूसरा लाइक फॉरेन कंट्री से भी आती है, ये लोग यही इधर गाना सुन के खाना खाती है, बहुत मज़े का है और मैं बहुत खुश हूँ। लाइक अभी मैं बाग के अंदर जाकर दोबारा सुन लेती हूँ। मैं आपको थोड़ी सी शानुरफा की बारे में बताना चाहती हूँ। एग्जैक्टली व्हाट इज शानुरफा? द शानुरफा इज एज नोन एज द सिटी ऑफ द प्रॉफिट। इधर टोटल बड़ा प्रॉफिट आया है। हमने आज दो प्रॉफिट का जगह कवर किया। हमारे पास टाइम नहीं था, इंशाल्लाह दोबारा पार्ट में हम दूसरा भी कर लेंगे। शानुरफा में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न अनातोलिया में आएंगे, इधर आपको
Turkish log ki zyada Kurdish log milega. Kaise aap logon ki country mein hoti hai Punjabi aur Lahori different nations. Turkey mein bhi do main nation hai. One is Turkish, other one is Kurdish. Kurdish ka zuban alag hoti hai, Kurdish ka culture alag hoti hai. Kurdish logon ko tradition bilkul alag hoti hai Turkish logon se. Ye hum abhi Şanlıurfa mein hai. This is the city of the Kurdish people. अभी मेरे पीछे ये नज़र आती है, ये कुआ है. जब हज़रत अय्यूब बीमार थे, खुदा ने एक आयत भेज दिया है, आपका हील को एक दफ़ा नीचे टच करके उधर से शिफा वाला पानी निकलती है. फिर हज़रत अय्यूब ने उस शिफा वाला पानी पी के ऐसे बात लेके उसको बीमारी ख़त्म हो जाती है. ये भी उसका एग्जैक्ट पॉइंट कहती है. ये लोग अभी इधर से पानी नहीं आता है, उन्होंने बिल्कुल मस्जिद की एंट्री में वही शिफा वाला पानी आप लोग इधर से आकर ले सकती है. अभी मैंने भी लेना है. ये Şanlıurfa की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ये भी हज़रत अय्यूब का मकाम है. आपको ओबियसली यही स्टोरी पता होगा, जब हज़रत अय्यूब बीमार थे, उन्होंने सारी दोस्तों सारे रिलेटिव ने हज़रत अय्यूब को छोड़ के चले गया था. फिर उन्होंने हज़रत अय्यूब ने इसी केव के अंदर आके 7 साल इसी बीमारी में इस केव के अंदर था. एक ही वर्ड होती है, हम तुर्की में भी बहुत बोलती है, अगर किसके पास पेशेंस नहीं होती है ना, हम कहते हैं कि खुदा आपको हज़रत अय्यूब का पेशेंस दे, क्योंकि हज़रत अय्यूब का पेशेंस बहुत ज़्यादा था. इवन Şanlıurfa के लोग भी किसी ने भी दुआ करने के लिए आती है, इसी केव के अंदर आती है, कहती है कि खुदा हमको हज़रत अय्यूब का पेशेंस दे. अभी हम इस केव के अंदर जाएंगे, अंदर देखेंगे ये केव कैसा है. चले ये वही केव है, आप लोग भी देखें, मेरी लाइक पूरा नहीं आती है मेरी हाइट भी. हज़रत अय्यूब ने इधर टोटल 7 साल ये बीमारी से सफ़र किया. ये पानी का टेस्ट है, नॉर्मल पानी में टेस्ट नहीं आता, बस इसका थोड़ी सी स्वीटनेस का टेस्ट है, तक पता चल के ये पानी अलग है. अभी मैं फेस वॉश भी करूँगी. आप लोग Şanlıurfa में आया है और लीवर नहीं खाया, इतनी इज्जत आप लोगों ने Şanlıurfa में नहीं आया. अभी हम इधर आया है भाई, लीवर कबाब बना दे. ये इसके अंदर उसका खुद ही ऑयल भी है और ये लीवर है. Şanlıurfa में ये लोग मॉर्निंग टाइम यही खाते हैं, शाम यही खाते हैं. Günde böyle ne kadar satıyorsun abi? Suda. Günde ama bir biznes açıyoruz. Ah, daily he is selling 80 to 90 kg of liver. हमारे एक दिन की छोटी सी Şanlıurfa का ट्रिप ख़त्म हो गया. मुझे बहुत ठंड भी लगता है इधर. ये कहना चाहती हूँ आपको, इधर एक दिन नहीं, 2-3 दिन कम से कम चाहिए, क्योंकि इधर एक जगह था उसका नाम हल्फिती, उसी विलेज पानी के अंदर ही है. लाइक हमने वही विलेज भी जाकर डिस्कवर करना चाहती थी, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था. मुझे दो चीज़ इधर बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हॉस्पिटैलिटी बहुत मज़े का था. मुझे Şanlıurfa बहुत अच्छा लगा. मैं ज़रूर एक और दफ़ा भी आएंगे. और मुझे एक और चीज़ भी पता लगा, ये ओल्ड Şanlıurfa में घर करें कितना में स्टार्ट होती है ना, 400 Turkish lira. इतना सस्ता भी है और इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, बहुत ही मज़े का था. और मैं मुस्तफ़ा भाई को भी बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ. पूरे दिन उसने उसकी टैक्सी से हमको सारी जगह फिर लिया, सारी जगह गाइड किया. अगर आप लोगों ने इधर आना है, मैं मुस्तफ़ा भाई का नंबर आपको भी शेयर करती हूँ, पूरा पूरे स्टेप में आपको हेल्प करेगा. çok teşekkür ederim Mustafa abi, Allah razı olsun senden. Senden de Allah razı olsun. Çok teşekkürler, inşallah yine görüşürüz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Hudafiz.